दिन दहाड़े युवक से बदमाशों ने कट्टे की नोक पर की लूटपाट। खबर राजस्थान के बयाना से है, जहां आए दिन समाज कंटकों द्वारा हो रही लूटपाट एवं बाइक चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला आज सुबह भगवती कॉलोनी से सामने आया है, जहां घनश्याम पुत्र ताराचंद उपाध्याय को घर के पास ही कट्टे की नोक पर लूट लिया गया। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह सुबह चाय पीने के लिए घर के बाहर होटल पर आया था, तो बजाज कंपनी के पुराने शोरूम के सामने एक सफेद रंग की बाइक पर 3 लड़के सवार थे, जिन्होंने तेज गति से लाकर उसके पास बाइक को रोका और रोकते ही उस पर कट्टा तान दिया। जब उसने उसका विरोध किया तो उन्होंने पीड़ित की कनपट्टी पर कट्टे की बट से वार कर दिया और लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया और उसकी जेब में रखे 8,000 रुपए निकालकर फरार हो गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही सीओ खीव सिंह एवं एसआई राजवीर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बाइक सवार बदमाशों का पीछा किया, तो बाइक सवार बदमाश बाइक छोड़कर खेतों के रास्ते फरार हो गए। अपराधियों में एक की पहचान देवा उमरैन के रूप में हुई है और उनकी तलाश जारी है। सर, मैं सुबह घर से सड़क पे चाय पीने अखबार पढ़ने के लिए निकला था, तो उसी टाइम पे बजाज शोरूम पुराना वर्कशॉप है, तो उसके सामने लड़के आए 3 बाइक पे, अपाचे बाइक थी व्हाइट कलर की, जिन्होंने मेरे सामने एकदम बाइक स्पीड ला के मेरे सामने खड़ा कर दिया और उन्होंने में से एक लड़के ने देवा ने अपने हथियार निकाला कट्टा जैसा और उससे मेरे यहाँ पे वार किया और उसके बाद मेरे पास रखे गाड़ी का भाड़ा था मेरे पास 8,000 रुपये सर, उन्होंने उसको पैसे छीन के ले गए और जाते टाइम बोले पुलिस में अगर कार्रवाई करेगा तो फिर वो गोली ठोक देंगे।